हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। वो अपना मन बदल ले उससे पहले ये डील फाइनल कर दीजिए। कर दीजिए सर। होगी तो किसी को शक नहीं होगा। अब बताओ तुम्हारा प्यार कैसा है? आकाश आकाश की तरह है, वहां पर बादल मिलेंगे, बिजलियां कड़केंगी, मौसम बदलेंगे बोल रही थी ना, लेकिन वहां अंधेरा भी होता है बेटी, और ये उसी अंधेरे जैसा है। सोचने वालों के बारे में हमारी पार्टी नहीं सोचती। जय नारायण जी, जिंदाबाद। जय नारायण जी, जिंदाबाद। लेकिन अशोक गजपति ने कुछ और सोचा। जब सब खुशियां मना रहे थे, जब उसको टिकट नहीं मिली, उस कड़वे सच को कोने में छुपाकर मीठे झूठ से हाथ मिलाने के लिए मेरे पापा के पास आया। यह क्या है जी, दुख बांटने वाले समय पर आप मिठाई बांट रहे हैं? आपकी टिकट इन्हें मिल गई, आपको बुरा नहीं लगा? ना तो नहीं कहूंगा, लेकिन बुरा मानने से कोई मतलब नहीं होगा ये जरूर कह सकता हूं। एक मंडल प्रेसिडेंट बनकर मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन एक इंसान होकर ये लोगों की सेवा कर रहे हैं। काम करने पर सैलरी मिलती है, लेकिन सेवा करने से नाम होता है, इसलिए उस नाम को वो टिकट मिला है। ये झंडा मैंने पार्टी को जिताने के लिए नहीं पकड़ा है, प्रजा के लिए पकड़ा है सर। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो वो जीत आपके साथ ही शुरू होगी। उनकी दोस्ती को देखकर सारा गांव खुश था, लेकिन अशोक गजपति के लोग गुस्से में उनके घर पहुंचे। ये सब क्या है सर? इच्छा जताते ही सबको मिल जाए,
इतना आसान नहीं है कुर्सी को पाना, ये एक सपना है। लेकिन हमने कितनी मेहनत की थी। मेहनत करने से तनख्वाह मिलती है, कुर्सी नहीं। अरे वो भी तो वो छीन कर ले गया सर। पावर को कोई खींच कर नहीं ले जा सकता। वो देखो, उस कुर्सी को देखो, उसमें ऐसे कोई बुढ़िया बैठे तो वो व्हील चेयर है। एक ऑफिस के सामने सिक्योरिटी वाला बैठे तो वॉचमैन चेयर है, और अगर एक सीएम बैठे तो वो सीएम चेयर है। कीमत कुर्सी की नहीं, इंसान की होती है। इलेक्शन ने हमारे घर का माहौल ही बदल दिया। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी वहाँ पार्टी के झंडे आ गए। शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? कब से झंडे को लेकर के झगड़ा कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, हमारी पार्टी का झंडा अच्छा है, लेकिन पार्टी का चुनाव चिन्ह टाइगर के बजाय लायन होता तो और अच्छा होता। ऐसा क्यों बेटा? वो इसलिए डैडी कि लायन जंगल का राजा होता है और आप इस गाँव के राजा हो ना। तुम गलत हो, ऐसे कोई राजा नहीं बनता। मैं गलती करूंगा तो मुझे भी सजा मिलेगी। कभी अगर शेर से गलती हो गई तो टाइगर सजा देता है। यानी लायन गलती करता है तो टाइगर सजा देता है? सभी टाइगर्स नहीं बेटा, सिर्फ बंगाल टाइगर के पास ही वो दिमाग और शक्ति होती है, इसीलिए वो हमारा नेशनल एनिमल बना और हमारे नेशनल पार्टी का चिन्ह भी। ओ, तो बंगाल टाइगर के पास इतनी ज्यादा ताकत होती है? हाँ, तुम्हारे जितनी ताकत होती है। जहर बन चुकी है, लोगों की जान बचाने के लिए ट्रीटमेंट चल रही है। पैसों के लिए फार्मा कंपनी के साथ मिलकर धोखा दिया जाएगा। बहुत से लोगों की जान जा चुकी है। ताजा सूत्रों से पता चला है बहुत से लोगों के हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। कुछ लोगों को खून की उल्टियां हो रही है। इतने लोग मर चुके हैं, किसी के जिंदा बचने की उम्मीद भी नहीं है। परछाई बनकर घूम रही थी जिसे पापा पहचान नहीं पाए। उसे क्या देख रहे हो? तुम न्याय पर भरोसा करते हो तो वो पैसों पर करता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उस डॉक्टर को खरीद लिया और उस डॉक्टर ने तुम्हें खरीदा है, यही कहानी बनाई है। वो तुम्हें खत्म करने से पहले तुम्हारे नाम को खत्म करना चाहता था, इसीलिए यह सब किया। जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो, जिंदगी में पैसे वाले से पक्का ले सकते हो, ताकतवर से पक्का ले सकते हो, बड़े बैकग्राउंड वाले से पक्का ले सकते हो, लेकिन अकलमंद इंसान से कभी पक्का नहीं लेना चाहिए। के बाद हम अपनी नानी के गांव चले आए। उनके डॉक्टर दोस्त अब भी जिंदा है, ये बात मैं लड़की देखने गया था तब पता चली। माय फैमिली फोटोज। और ये हमारे ताऊ जी। एक एक्सीडेंट में भगवान ने उनकी पूरी फैमिली को अपने पास बुला लिया, लेकिन शायद मुझे सच बता सके इसीलिए उनको जिंदा रखा था। उसने जलारायण को जलाकी से मारा। उसी चालाकी को तुम्हें अपना हथियार बनाना होगा। माँ माँ बेटी माँ माँ घर की चौखट लांघे बिना घर के अंदर ही रो रो कर जिंदगी गुजार दी, उस मां को क्या जवाब दूं? अपने पापा का नाम गर्व से ना ले पाने वाले मेरे भाइयों को
क्या जवाब दो? उम्र में तुम हम दोनों से छोटे हो, लेकिन इस जिम्मेदारी को लेकर इस घर के बड़े बेटे बन गए भैया। तो फिर तुमने वो पैसे क्यों लिए? कल मेरे पापा की पुण्यतिथि, जिस दिन उनकी बेइज्जती हुई थी, जिस गांव ने मेरे पापा को धुतकारा था वही गांव दोबारा मेरे पापा को पूछने लगे वो करूंगा, इसलिए पैसे लिए। पर ये कुर्ता कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा सर, बहुत अच्छा रहेगा। तुम ऐसे टेंशन में क्यों हो? मीरा को उसका कैरेक्टर ठीक से समझा दिया है, उसके मुंह पर मार कर मारने लायक उसने कुछ नहीं किया है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटी? पता है ना वो? अब आप और ड्रामा मत करो, मुझे सब पता चल चुका है। मैंने सोचा था आप मेहनत करके इस ऊंचाई तक पहुंचे, लेकिन इस कुर्सी के लिए आपने इतने लोगों की जान ली है। I'm ashamed of you, Dad. उसकी बातों पर भरोसा करती हूँ, वो एक भेड़िया जैसा है। नहीं डैड, वो टाइगर है, बंगाल टाइगर, जो अच्छे के साथ अच्छा करता है और बुरे के साथ बुरा। अपने दुश्मन का कब कैसे शिकार करेगा ये नहीं सकता। Get ready to face him. दिए गए बाजी हाई कमांड ने आपको अभी उससे डिसमिस कर दिया है।